कम ऑन मम्मी, आज सैटरडे है। वो तो है बेटा, तो आज क्या क्या करना है? मेरा ग्रोस क्लास जीरो कॉमिक पढ़ना है। और क्या? साफ सफाई करना, टॉयलेट रोल्स चेक करके वापस डालना और कपड़े धोने डालना। सही कहा हेनरी, तो फिर शुरू हो जाओ। हे, मेरे कॉमिक का क्या? काम पहले, कॉमिक बाद में। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हेनरी, हेनरी उठो। चले जाओ मम्मी के चमचे। हेनरी, मम्मी ने कहा। मम्मी ने कहा तुम बहुत गंदे बच्चे हो पीटर। मम्मी ने कहा कि अगर। अगर मैंने क्या? हेनरी, अगर तुमने ये सारे काम जल्दी नहीं निपटाए तो फिर क्या? नहीं तो वो तुम्हारे क्रॉस क्लास जीरो कॉमिक डस्टबिन में फेंक देगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे बता दिया। जानती हूँ बेटे। ठीक है, मैं उठ गया। तो मम्मी ने क्या क्या कहा था? हाँ, रूम की साफ सफाई। शाबाश हेनरी, मैं अभी आया। मामा, क्या मैं अपनी नंबर नूम्स नो हो कॉमिक्स आपको स्टोरी सुनाऊं? जरूर मेरे राजा बेटा। क्या आप भी मेरी स्टोरी सुनोगे? अब हाँ, क्यों नहीं पीटर, सुनाओ। कैसे हो गाँव वालों? आओ आओ हेनरी, मेरा रूम साफ हो गया। और अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। और हेनरी, हेनरी तुमने अब तक टॉयलेट रोल्स नहीं रखे हैं। चुप रहो चमचे कहीं के। मैं जाकर टॉयलेट रोल्स रख देता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है हेनरी। तो मॉम एंड डैड, इस स्टोरी का नाम है नंबर 9 नंबर नूम्स का बदला। टॉयलेट रोल्स रख दिए। तो फिर नंबर नूम नंबर 9 नंबर नूम नंबर 6 को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। डैड, है ना ये एक मजेदार स्टोरी? हाँ, वो बहुत अच्छी है। मामा, है ना स्टोरी अच्छी? अब बहुत अच्छी है मेरे प्यारे बच्चे। पर नंबर नूम नंबर 3 को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो फिर वो नंबर नूम नंबर 2 को ढूंढने चला गया। तो फिर वो बोला, ये तो रॉन्ग नंबर है मेरे दोस्त। आपको नहीं समझा, वो रॉन्ग नंबर था। वो तो एक नंबर नूम जोक है। हेनरी, हेनरी थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर मेरा काम हो गया। तीन में से सिर्फ दो ही काम हुए हैं हेनरी। तो अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। इतनी जल्दी नहीं बेटा। मिल गया मामा। अरे ये क्या? थैंक यू पीटर। तुम्हारी योगा क्लास का वक्त हो गया है, जाओ जाकर मैट ले आओ। योगा क्लासेस। बस मैं ये कॉमिक रख कर अभी नीचे आया मामा। मेरा अच्छा बच्चा। और हेनरी? हाँ जानता हूँ जानता हूँ, गंदे कपड़े। अरे क्या बात है। उप्स। हाँ, उप्स। बचाओ। तो मैं तुम्हारा नंबर नोम्स तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हा? या फिर मैं इसे रख लेता हूँ। पीटा, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? यह लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं, ये लो तुम्हारा योगा मैट। अब चलो पीटर, हम लेट हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से रख दूंगा।
दोस्तों, चलो अब सोने के पहले गाना हो जाए। सोने चलो, सोने चलो, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। कैसा लगा? ये तुमने क्या किया हेनरी? साथ में मस्ती करने का पहला रूल, एक घर बनाओ। एक घर? एक घर, और उस घर में होगा एक कंट्रोल रूम जो सीधे पहुंचाएगा स्पेस में। क्या सच में? तुम लोग हेनरी की बातों में मत आओ, वो सिर्फ हमारा खेल बिगाड़ना चाहता है। ठीक, कितना गंदा है तू लल्लू। मैं तो बस तुम लोगों को मस्ती का एक आइडिया दे रहा था, समझे? तो क्या तुम सब तैयार हो? कौन आना चाहता है स्पेस का चक्कर लगाने? मैं। नहीं। आप, मुझे लगता है। टेक ऑफ के लिए तैयार हो? विंग कमांडर गॉर्डन, 3, 2, 1, वुश! क्या बात है? चलो जाने दो, तो हम कहाँ थे दोस्तों? जल्दी सोने चलो, जल्दी सोने चलो। डिंग डैंग डोंग, डिंग डैंग डोंग, सोने चलो, सोने। और तेज विंग कमांडर। हमें अपना स्पीड कंट्रोल में करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। वाह, अंदर कितना मजा आया। थैंक यू हेनरी। वेलकम विंग कमांडर गॉर्डन। अब क्या करना चाहिए हमें? अब चलो हम फूल बनाते हैं। या भूत की कहानी सुने? हाँ, घर के अंदर। कूल। क्या मैं भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। ओह, तुमने सुना क्या? ओह छोड़ो भी, बच्चे हैं, मस्ती कर रहे होंगे। मैं देख कर आती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। मामा, मामा। बेटा, सब कुछ ठीक है ना बेटा? मामा, हम भूत की स्टोरी सुना रहे हैं। अरे वाह, मजे करो बच्चों। गुड नाइट, प्यारे प्यारे बच्चे। बाप रे, कितना डरावना था। हाँ सच में। हेनरी, एक और कहानी सुनाना। क्यों ना एक परियों की कहानी सुने दोस्तों। एक बार कई साल पहले एक नन्ही सी परी रहती थी, उसका नाम था प्रिंसेस। चलो टाइम हो गया अगरम बगरम खाने का। अगरम बगरम खाना? अगरम बगरम खाना नहीं खाओगे तो साथ में रहने का मजा क्या रहेगा? अगरम बगरम खाना। चलो ये सब, मेरा मतलब ये सब ठीक नहीं है। चलो ना पीटर। तुमने कुछ सुना? नहीं। मुझे कुछ सुनाई दिया। हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हेनरी, डैडी आ रहे हैं। जल्दी छुपो। ओह, म्याओ म्याओ। हम बच गए। हाँ सच में, थैंक यू म्याओ म्याओ। हेनरी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब देखो मेरा कमाल। कोई बात नहीं, फेरी केक फ्रिज में नहीं है हेनरी। हाँ मुझे पता है, पर और भी चीजें हैं यहाँ पे।
तो हम कल से शुरू करेंगे। ओहो, अब मुझे ये बताओ, क्या किसी ने मेरी टाई देखी है? हम आज फिर लेट होने वाले हैं। जल्दी करो हेनरी, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मामा। सात बज गए हेनरी। चार मिनट में कपड़े बदलकर नाश्ते के लिए पहुंच जाओ। ये रहे तुम दोनों के टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स? हाँ, हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट होगा। नाश्ते के लिए 5 मिनट, टेबल साफ करने के लिए 2 मिनट, सुसु करने के लिए आधा मिनट, और आगे पढ़ लो। पर बाकी जरूरी चीजों का क्या होगा, जैसे टीवी देखने के लिए टाइम? सब लिखा हुआ है। टीवी के लिए डिनर के बाद 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ पीटर, पर छोटे बड़े शो तो आधे घंटे का होता है। और मेरे सारे फेवरेट प्रोग्राम्स का क्या होगा? हा? नाश्ते का 1 मिनट तुमने बहस में ही गवा दिया है। अब जल्दी करो, निकलना है। हो गया। बहुत बढ़िया, 2 मिनट में। क्या मैं बचे हुए 4 मिनट में टीवी देख सकता हूँ प्लीज? 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं हेनरी। तो 3 बचे हैं, 4 नहीं और टीवी नहीं। तुम 3 मिनट का इस्तेमाल ब्रश करने में कर सकते हो। और अब टेबल साफ करो, 1.5 मिनट बचा है। पर मेरी जल्दी करो, हमें 10 सेकंड में निकलना होगा। हेनरी, 10, 9, 8 टाइम पर आ गए। देखा, तुम लोग तो सेट हो। टहलना बंद करो हेनरी। मैं नहीं टहल रहा। आओ। जल्दी जल्दी चलो बॉयज, 4.5 मिनट बचे हैं, जल्दी करो, टाइम पर पहुंचना है। ओके। मजा आ गया, काफी तेज चले और वो भी 8 मिनट पहले। हुरे! शाम को मिलते हैं बच्चों, आज का दिन अच्छा होगा। हट जा कीड़े, अब मैं टीवी देखूंगा। पापा, मैं देख रहा था ना, मतलब देखने वाला था। टीवी टाइम खत्म हुआ, टाइम टेबल देखो अपना, सोने का वक्त हो गया। पर अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। सुबह जल्दी उठना है ना बेटा। फिर तो जल्दी ही सोना पड़ेगा। चुप कर। देखा, मैंने कहा था ना, रोज के ड्रामे से छुटकारा मिल गया। ना स्कूल के लिए लेट हुआ, ना झगड़े, ना बहस। कुछ ही हफ्तों में इसकी आदत पड़ जाएगी। कुछ ही हफ्तों में? हाँ, तो आज तो बस शुरुआत थी, अब अगर बातें बंद करें तो हम पूरे 5 मिनट बचा सकते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ने का टाइम सिर्फ 7:30 मिनट था, टाइम टेबल पढ़ लो। हेनरी, सोने का टाइम हो गया है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कल हमें जल्दी उठना है ना? क्या तुमने टाइम टेबल नहीं पढ़ा? टाइम टेबल स्कूल से भी बकवास है। कम से कम टाइम पे तो पहुँचे। हम तो झाड़ू वाले से भी पहले पहुँच गए। सुनो पीटर, तुम्हें ये 5 मिनट टीवी देखने वाला चक्कर पसंद है क्या? नहीं, मेरा फेवरेट प्रोग्राम मिस हो गया और मुझे मिस लवली के लिए ड्राइंग भी बनाने का टाइम नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस उठो, ब्रश करो, खाओ, पॉटी करो और सो जाओ। पर हम क्या कर सकते हैं? ये सेहत के लिए अच्छा है ना? मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा? हाँ, पर पापा, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक से करें तो और टाइम बचा सकते हैं। अच्छा? हेनरी, पीटर, सोने जाओ। जा रहा हूँ मामा।
एक्सक्यूज मी हेनरी, मुझे ब्रश करने जाना है। हेनरी, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। किस बारे में है ये? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स, के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है, ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या पता है, ये असली वेयरवुल्व्स को पहचानना सिखाती है। तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल, ये देखो यहाँ लिखा है, अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद देखते हैं। अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली। तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोज बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झिंगा लाला जूस। हाँ, झिंगा लाला जूस, काली घाटी के झिंगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है हाँ? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो, मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक लाता हूँ। असली झिंगा लाला जूस। यम्मी। ओह, कितनी देर लगा दी हेनरी। पहले पैसे। ओह हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। ओह हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। वो तो लगेगा ही, अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झिंगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झिंगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत, चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो। पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा, क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर जाकर परियों की कहानी सुनेंगे। और वो परी उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई।